तो बालौदाबाजार जिले में जिला निर्वाचन कार्यालय ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के राजनीतिक दलों व पत्रकारों की बैठक ली, जिसमें जिले में 6 जनवरी से 22 जनवरी तक जिले के सभी 1080 मतदान केंद्रों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम जिले के सभी मतदान केंद्रों पर किया जाने की जानकारी दी। नए मतदाता वोटर हेल्पलाइन नंबर पर जाकर भी नए मतदाता अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इस अवसर पर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारी उपस्थित रहेंगे। बालौदाबाजार जिले में वर्तमान में 4,47,999 पुरुष मतदाता व 830 महिला मतदाता की कुल संख्या है। दिवस बता दूं, 6/1/2024 को प्रारंभिक प्रकाशन का डेट है। जनवरी रिवीजन लोकसभा चुनाव के लिए वापस चालू हो रहा है। 6 जनवरी से 22 जनवरी तक हर कोई अपना फॉर्म भर सकता है। युवा वोटर्स फॉर्म 6 के माध्यम से भर सकते हैं, जो नए वोटर्स हैं, और अगर किसी को डिलीट करवाना है अपना नाम तो फॉर्म 8 के थ्रू भर सकते हैं। और एक इसके लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप है, और अगर आप वेबसाइट के माध्यम से भरना चाहते हैं या फॉर्म कोई भी, तो आप voter.eci.gov.in पोर्टल में भी भर सकते हैं। तो 8 से लेकर 22 जनवरी तक आप लोग ये भर सकते हैं, और उसके बाद दावा पत्र के बाद 8 फरवरी को फाइनल प्रकाशन होगा। जनवरी रिवीजन लोकसभा चुनाव के लिए वापस चालू हो रहा है। 6 जनवरी से 22 जनवरी